नमस्कार, मैं प्रियांश लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु समर्पित मोदी सरकार के 8 वर्ष में विकास कार्यों में अद्भुत गतिशीलता दिखी है। सन 1947 में देश के आजाद होने से 2014 तक 67 वर्षों में जितना काम हुआ है उसकी तुलना में मोदी सरकार के 8 वर्ष कहीं अधिक उपयोगी दिखते हैं। भाजपा कार्यालय कवर्धा में 3 जून 2022 को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भाजपा मंत्री विजय शर्मा ने उक्त बातें अनेक आंकड़ों के साथ कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करते हुए जिला भाजपा के अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बताया, केंद्र की सरकार के सफलतम 8 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष कहा जाना चाहिए। अनिल ठाकुर ने बताया कि आज समूचे छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला कबीरधाम में सरकार के 8 वर्षों के विस्तृत ब्यौरा के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत है। विजय शर्मा ने बताया कि विगत 68 साल से बना मोदी जी के 8 साल में तुलना नामक रूप में कहा जा सकता है कि एम्स जैसी चिकित्सा संस्था समूचे देश में 7वीं थी, जो 8 वर्षों में बढ़कर 22 हो गई। IIIT 9 से 25, IIM 13 से 20, अर्थात ये बड़ी संस्थाएं प्रति वर्ष 1 या 2 की गति से बनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन 37 किलोमीटर की गति से बन रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.82 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची और आज देश में 99.95% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। पेयजल हेतु जहां शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना के अंतर्गत 12 करोड़ 70 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 3 वर्षों में 6 करोड़ 29 लाख नल कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं। 1,35,000 गांव का ड्रोन से सर्वे, 29,000 से अधिक ग्रामों के 36 लाख परिवारों को उनके निवास का मालिकाना हक दिया जा चुका है और काम आगे जारी है। भारत नेट के माध्यम से 1,77,000 पंचायतों को फाइबर केबल के द्वारा जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 2,55,00,000 आवास ग्रामीण क्षेत्र में तथा 58,59,000 आवास शहरी क्षेत्रों में वितरित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2011 की मूल सर्वे सूची के आधार पर 18 लाख से अधिक तथा 2016 आवास प्लस सूची के आधार पर 8 लाख से अधिक आवास बनाना है, परंतु प्रदेश सरकार के रवैये के कारण विगत 3 वर्षों से आवास का कार्य लंबित है तथा प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवार वंचित रह गए हैं। प्रेस वार्ता में कहा गया कि लाल किले की प्राचीर से देश के मुखिया ने शौचालय और स्वच्छता की अपील की और उसके बाद देश में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ में 32,62,000 शौचालय बनाए गए। कार्यालय के कोने भी पान की पीकों से भीगे नहीं रहते। देश में इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक 17,90,00,000 कार्ड देश में तथा 22,45,000 कार्ड छत्तीसगढ़ में वितरित किए गए हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी पुनः स्वदेशी टीके का आविष्कार हुआ और देश में 190 करोड़ डोज तथा छत्तीसगढ़ में 3.9 करोड़ से ज्यादा डोज के माध्यम से कोरोना को हराया गया। महिलाओं के लिए विशेष संवेदना रखने वाली मोदी सरकार ने धुआं रहित ईंधन के लिए देश में 9 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 33,74,000 सिलेंडर बांटे गए। शौचालय भी महिलाओं के लिए सर्वाधिक आवश्यक था। तुरंत 3 तलाक पर रोक से मुस्लिम महिलाओं को दिए जाने वाले तलाक के प्रकरण में 82% की कमी आई है। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह किया गया। देश में सुशासन बढ़ा है तो FDI में 130% की वृद्धि हुई है। सड़कें बनी है तो निर्यात 2021-22 में उच्चतम मान पर है। अब आए दिन अखबारों में आतंकवादी घटनाओं की भरमार नहीं होती। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का गठजोड़ स्क्वाड चीन को रोकेगा तो 2+2 पद्धति की वार्ता से अमेरिका और रूस दोनों से हमारी मित्रता गहरी होगी। केंद्रीय योजनाओं से वर्ष 2019-20 में 47,991 करोड़, 2020-21 में 48,461 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में 44,325 करोड़ छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी भूपेश बघेल द्वारा कृत्रिम रोना सतही राजनीति से अधिक और कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से आपको एक तुरंत तलाक का विषय है जो कभी थोड़ा विवादित भी रहा। 3 तलाक मोदी जी ने बंद कर दिया, मुसलमानों का कहना था ऐसा, वो 3 तलाक बिल्कुल बंद नहीं हुआ, तुरंत 3 तलाक बंद हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं बात है।
मतलब पहले क्या किया करते थे, कागज में लिख करके और छोटा पेपर में लिख करके व्हाट्सएप में मैसेज करके तलाक 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 लिख दिया तो मान लिया गया, ऐसा हुआ करता था। वैसा नहीं होना है, अब ये निर्णय हुआ है। होगा क्या, तो इस्लाम की जो प्रक्रिया है, पहला तीन तलाक और उसके बाद उनका शायद 60 दिन 70 दिन रुकने का होता है, फिर दूसरा तलाक कहा जाता है, फिर 60 दिन 70 दिन रुकने का होता है, फिर तीसरा तलाक कहा जाता है, वो प्रक्रिया आज भी कायम है। तीन तलाक की प्रक्रिया आज भी कायम है। मोदी जी ने उसमें जो कुरूति आ गई थी तुरंत तीन तलाक, उसको खत्म किया है। और जब वो कानून बना है तो महिला, मुस्लिम महिलाओं के तलाक देने की प्रक्रिया 82% कम हुई। उसका नाजायज फायदा ही उठाया जा रहा था, वो 82% कम हुआ है। मातृत्व योजना पूरे दुनिया को चलाने के लिए माताएं ही हैं जिनके माध्यम से ये पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। पहले एक बच्चा होने पर 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह की छुट्टी की गई, तो ये इसी सरकार के द्वारा की गई है। IIT 16 थे 2014 तक, अब वो 22 हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, ये प्रतिवर्ष 1 के पैमाने पर बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचें 2014 तक कितने वर्ष होते हैं भारत की आज़ादी के, और 2014 से 2022 तक कितने वर्ष हुए हैं, ये 8 सालों में 8 IITs बने हैं और उससे पहले 16 IIT बने थे। तो 2014 तक आप देखेंगे तो 47 से लेकर के 52 साल वो हो गए, 65-70 साल होते हैं। उस 65-70 साल में सिर्फ उतने बने थे और अभी बने हैं IIIT, IIIT जिसको हम कहते हैं, 9 से 25 हुआ है। प्रतिवर्ष 2 बना है देश में, प्रतिवर्ष 2 बना है। IIM 13 से 20 हुए हैं, प्रतिवर्ष 1 बना। ये मैनेजमेंट साइंस के लिए है। और एम्स का तो हमने बात किया, 7 से लेकर के ये 22 हुआ है, प्रतिवर्ष 1 बना है। मतलब रायपुर में जो संस्था बनी है कई 100 एकड़ की परिसर में, कितनी बड़ी संस्था है, सारा इलाज उसमें है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी 7 संस्थाएं 7 सालों में बनी। यही ध्येय रहा है इन 8 वर्षों में सरकार का। कोरोना के काल में हम सब ने देखा है कि किस तरीके से पूरी मेहनत के साथ अपने लोगों को बचाने के लिए इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप हुए, 5 तरह के वैक्सीन डेवलप हुए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ 3 और उन वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे देश में, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव था, ये पूरे देश में चलाया गया। सुशासन के संदर्भ में अब आपको यहाँ कहीं बम फूटने की आवाज, हत्याओं की बात नहीं आती है, कश्मीर को अभी छोड़ दें थोड़ा, परंतु और ये चीजें देश के किसी अन्य भागों में अभी आपको नहीं मिलती हैं। 370 की तरह की कानून जिसने देश को विखंडित करके रखा था, वो कानून समाप्त हुआ है और उसके साथ साथ सुशासन की पूरी स्थिति देश में बनी है। विदेश से आने वाली कंपनियों को FDI के लिए भी ऐसे माहौल उपलब्ध कराए गए हैं कि FDI भी बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारे देश में। और गरीब कल्याण का जो विषय है, तो इस सरकार की प्रत्येक योजना गरीबों की चरण वंदना के लिए ही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया गया। अमृत योजना या जल जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घर घर तक नल का पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से अपील करते हैं देश से कि स्वच्छता के प्रति हमें संजीदा होना होगा, घर घर में शौचालय बनना चाहिए। और वस्तुतः 11 करोड़ से अधिक शौचालय पूरे देश में बनते हैं, यह आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे IIT हो, IIM हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, या IIIT हो, या दूसरी इस तरह की संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, देश में प्रतिवर्ष 1 और 2 के रेशियो में बनी है, ये बहुत बड़ी गति है। एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि एम्स जैसे 2014 तक, पूरे आजादी से लेकर 2014 तक पूरे देश में सिर्फ 7 था, वो 14 से लेकर के 2022 तक 22 हो चुका है। मैंने प्रत्येक वर्ष आप इसकी गणना करें, ये अद्भुत स्पीड है। इस सरकार के माध्यम से सरकार ने GST लागू किया है, पूरे देश को यूनिफॉर्म किया है टैक्सेशन के लिए। और इस तरीके से टैक्सेशन यूनिफॉर्म होने पर, या आप देख लें कि टोल प्लाजा में जितने हैं वहां पर टैक्स इसके माध्यम से जो टैक्सेशन किया जा रहा है, वो सारा टैक्स सरकार को सीधे कलेक्शन में मिल रहा है और सरकार के हाथ में भी पैसा है, सरकारी पैसा भी है, देश का पैसा भी है और फॉरेन का फंड भी है, फॉरेन करेंसी भी है। सरकार इस नाते बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और देश की उन्नति का कार्य कर रही है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस ध्येय के साथ है सरकार का ये काम।
अद्भुत 8 वर्ष है मोदी जी के। हम सब की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।